यार सच में यार क्या कर रहे हैं ये Xiaomi वाले। Hey guys, मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे हैं CreatorShed। और यार Redmi वाले ना परेशान हो गए हैं, मतलब क्या निकाले आगे, Redmi 5, Redmi 6, Note 6, Note 5, 6A, 5A, पता नहीं क्या क्या निकाले जा रहे हैं ये। और स्पेक्स में पता ही कर रहे हैं कि प्रोसेसर चल ये वाला डाल देते हैं, पहले इनको 450 से प्यार हो गया था, अब 636 प्रोसेसर से प्यार हो गया। इतना गुस्सा क्यों हुआ है, शांत, कूल डाउन, कूल डाउन। ओके, तो बात ऐसी है कि शुरू करते हैं Redmi Note 6 Pro। तो सबसे पहले तो प्रोसेसर की बात करते हैं यार, इसमें भी 636 प्रोसेसर, जो इसका सो कॉल्ड प्रीडिसेसर है Redmi Note 5 Pro, उसी की तरह प्रोसेसर दिया है। तो क्या मतलब, ऑन पेपर ही आपने इसको आगे करना है या फिर एक्चुअल प्रोसेसर को अच्छा दिखाना है? क्योंकि इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाता है Realme के फ़ोन जो कि 660 प्रोसेसर के साथ आते हैं। और यार प्रीडिसेसर था Redmi Note 5 Pro, तो उसे एक ऊपर जनरेशन तो कर देते प्रोसेसर, 636 ही रखा। हालांकि इसका मतलब क्या हो सकता है आपके लिए, प्रोसेसर फास्ट है, सब कुछ मक्खन है, पबजी वगैरह मस्त चलेगी इसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक होता है ना यार कि एक जनरेशन ऊपर आ रहा है फ़ोन, तो उससे थोड़ी सी ज़रा सी एक्सपेक्टेशन ऊपर होती है। इंक्रीज़ करने के मामले में क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया कैमरा। तो अब फ्रंट में फ्लैश देखने को नहीं मिलती, अब दो कैमरे देखने को मिलते हैं फ्रंट में, और इतनी बड़ी नॉच के साथ। मतलब ठीक है यार, तुम अडॉप्ट करो नॉच, पर यार इतनी बड़ी नॉच, और ऊपर से डिज़ाइन के मामले में नीचे देखो आप, इतनी बड़ी चिन दे दी है, और बैक में देखो सेम, कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है। तो यार बात ऐसी है ना कि अब आप 2 साल पुराना फ़ोन उठा के देख लो इनका, 1 साल पुराना फ़ोन उठा के देख लो, एक ही बात है, वही सेम मेटल बिल्ड है, वही बोरिंग सा डिज़ाइन है, वही सारी चीज़ें हैं। मैं गुस्सा सिर्फ इसीलिए हूँ कि कुछ नया अगर आपने दिखाना है तो कुछ नया करके दिखाओ, नया दिखाना है तो नया करके दिखाओ, ठीक बोलो मैंने, लगना चाहिए ना यार कि एक नया फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब आप जाओगे Redmi Note 5 Pro एक साइड होगा, Redmi 6 Pro एक साइड होगा, Note 6 Pro एक साइड होगा, तो आप क्या डिफरेंस देख पाओगे उसमें, बस नॉच का। ये है आपका 2018 का ट्रेंड, तो डिज़ाइन अब नहीं यार, अब बहुत हो गया, मतलब 2 साल पहले बहुत अच्छा था, चलो 1 साल पहले भी अच्छा था ये वाला डिज़ाइन, बट अब नहीं है, अब थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा ग्लास में आ जाओ यार। अब नोकिया 5.1 प्लस को देखो, 11,000 में कितनी अच्छी बिल्ड देता है वो, प्रोसेसर भी अच्छा है उसका, तो उस तरह का कुछ करो यार, सोचो उसको। फिर तीसरी बात करता हूँ मैं, USB टाइप सी, वो भी नहीं दिया हुआ इसमें यार। ठीक है, मतलब मान लिया मैंने कि 14,000 का बजट रखा हुआ है फ़ोन का, 14,000 पे मैं आप USB टाइप सी नहीं दे सकते हो, नोकिया 5.1 प्लस ने कैसे दे दिया, वो भी तो इसी सेगमेंट का है ना यार। और नोकिया वापसी कर रहा है, अब अच्छे से वापसी कर रहा है, अगर नोकिया अपने वाले पे आ गया ना कि भाई जैसे पहले के फ़ोन्स होते थे, पहले के फ़ोन्स सारे ट्रेंड करते थे उनके, उसी तरह से अगर अपने अपने में आ गया ना नोकिया, तो अब ताड़ फाड़ कर देगा, चाहे वो रियलमी हो चाहे रेडमी हो। हालांकि रियलमी के जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी धूम मचा रहे हैं, मतलब काफ़ी मस्त चल रहे हैं आजकल। सो रेडमी भैया, आपकी गद्दी पे अब कोई और नया आने वाला है, इससे अच्छा आप थोड़ा सा सुधारो अपने आप को, ठीक है, अच्छा फ़ोन है आपके, पोको फ़ोन अच्छे हैं, नोट 6 प्रो भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब अगर किसी नए बंदे ने ख़रीदना है ना तो ठीक है, मतलब पर जो पुराना बंदा है ना नोट 5 प्रो वाला, वो तो कभी नहीं करेगा, हाँ मतलब बिल्कुल नहीं करेगा वो अपग्रेड। तो वो भी सोचो ना, पुराने कस्टमर्स को भी सोचो, ये नहीं कि नए नए कस्टमर्स बस लाते जा रहे हैं। डेफिनेटली रिकमेंडेड है, अगर आप नए यूज़र हो तो आप ख़रीद सकते हो उसको, अगर आप डिज़ाइन ठीक लगता है, मतलब आपको ठीक लगता है। मुझे तो डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, अब के टाइम में मैं ग्लास फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कैमराज वाले फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, और ठीक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, पर रेडमी ऑफर ही नहीं कर रहा, तो यूज़ कैसे करूँ अब मैं। मेरा जो रेडमी के लिए प्यार था ना, कि मैं किसी को भी धड़ल्ले से रेडमी के फ़ोन्स रिकमेंड करता रहता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इस बजट में ये वाला फ़ोन भी अच्छा है, रियलमी वाला फ़ोन भी अच्छा है, नोकिया वाला फ़ोन भी अच्छा है, या फिर रेडमी के छोटे वाले फ़ोन अच्छे हैं, रेडमी 6 प्रो काफ़ी अच्छा है 11,000 के बजट में, तो मैं इसको क्यों रिकमेंड करूँ, वाई, गिव मी अ रीज़न। इतनी बड़ी चिन है, इतनी बड़ी नॉच है, बैक में सेम डिज़ाइन है, 20 मेगापिक्सल पता है मेरे को, 20 मेगापिक्सल आपने इंक्रीज़ कर दिया है, पर मेगापिक्सल इंक्रीज़ करने से कुछ नहीं होता, इतनी ज़्यादा कुछ खास एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं कि भाई ऐसा है, थोड़े बहुत फीचर्स, हाँ कैमरे में थोड़े बहुत फीचर्स इन्होंने इंक्रीज़ किए हुए, कैमरे के लिए मैं बोलता हूँ कि चल ठीक है यार, कैमरे के मामले में तुमने इंक्रीज़ किया,
बट थोड़ा और एस्पेक्ट देखो ना यार, और नोट 5 प्रो तुमने 15,000 में लॉन्च किया था, इसको 14,000 में लॉन्च कर दिया, और ऑफर वगैरह भी तुमने स्टार्टिंग में दे दिए थे। ठीक है, मतलब ठीक है यार, 13,000-14,000 रुपये में मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा इस मामले में, बट रिकमेंड करता हूँ मैं इस फ़ोन को। अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है तो रिकमेंड करता हूँ, फुल एच स्क्रीन है, सब कुछ अच्छा है, बट बस ये है कि पुराना हो गया यार। अगर आपने एक सक्सेसर निकालना है किसी फ़ोन का, नोट 5 प्रो का अगर सक्सेसर निकालना होता तो थोड़ा डिज़ाइन देख लेते यार। पर शाओमी वो भी नहीं कर सकता ना, वो भी नहीं कर सकता। अगर शाओमी इसमें 660 प्रोसेसर दे दे, कैमरा तो अच्छा दिया ही है इन्होंने, पर अगर 660 प्रोसेसर दे दे तो मी ए टू को कौन पूछेगा, वो भी तो बेचने हैं ना भाई पुराने फ़ोन। तो ऐसा है कि यार मी ए टू को डिसकंटिन्यू कर दो, इसको अच्छे से कर दो यार, इसको थोड़ा सा, अब जो नया आएगा नोट 7 प्रो आएगा उसको थोड़ा सा अच्छा कर देना यार, बस ये रिक्वेस्ट तुम लोगों से। बाकी अच्छी बातों के बारे में तो यही है यार, जैसे नोट 5 प्रो था वैसे ही ये वाला फ़ोन है, आपको गेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कैमरे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि एड्स वगैरह का थोड़ा देख लेना, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एड्स वगैरह देता है ये, उसी से रेवेन्यू कमाता है थोड़ा बहुत ये, तो उसका देख लेना। पर मी यू आई मतलब ओवरऑल ठीक है, मतलब एंड्रॉयड जो 1 का प्रोग्राम है उसके एक दो मतलब उसके बाद ठीक है, बैटरी अच्छी है इसकी, फुल एचडी स्क्रीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब ओवरऑल एक अच्छा डिवाइस है, अगर आप नए हो और 14,000 पे आपने खर्चने हैं तो आप खर्च सकते हो इसके ऊपर। पर इसके कंपटीशन में एक तो नोकिया 5.1 प्लस है, उसका 64GB वाला ले लो आप, या फिर रियलमी के जो रियलमी 2 प्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें प्रोसेसर भी इससे ज़्यादा अच्छा है और वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले है, प्लस उसका जो डिज़ाइन है वो लाख दर्जे बेहतर है इससे। प्लस ऑनर का भी यार, ऑनर का कौन सा फ़ोन था वो, ऑनर का भी एक फ़ोन है जो इसी बजट में आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट ऑनर का यार ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुझे थोड़ा ऐसे ही लगता है, तो ठीक है, मतलब रियलमी 2 का भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही है, पर उसका ओवरऑल जो फील है वो लगता है कि आपने कोई फ़ोन पकड़ा है। सो इस छोटी सी वीडियो के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं किया है, हिमांशु शर्मा YT, और लाइक मारो इस वीडियो को अगर नहीं किया है, लाइक मारो इस वीडियो को, डिसलाइक मारो अगर अच्छी नहीं लगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, नीचे लाल बटन है उसको दबा दो, और उसके बाद जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना ताकि तुम्हारे नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो। ओके बाय।